सर सेवा से हमने एक शुभ संकल्प छोड़े तो औरों के लिए कितने संकल्प छोड़े तो सभी सिद्ध हो जाते हैं सिद्ध हो जाता है मनसा सेवा तो मनसा की एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है। जिसमें जितनी लंबे समय की मानसिक एकाग्रता की शक्ति है वो उतना ही अपने संकल्प को सिद्ध कर सकता है। अगर शक्ति नहीं है एकाग्रता की, 5 मिनट याद में पहले इधर भाग गई बुद्धि, उधर भाग गई, उधर भाग गई, कहने के लिए एक संकल्प लेकर के बैठे लेकिन बुद्धि लगातार विचलित हो रही तो सिद्धि संकल्प सिद्धि नहीं हो सकती। इब्राहिम की आत्मा ऊपर से तो आती है द्वापर के बाद, लेकिन संगम युग में तो वो आत्मा ब्राह्मण परिवार में होंगी ना। इब्राहिम की आत्मा द्वापर से ऊपर से आती है, द्वापर युगी शूटिंग में आती है, आती है, लेकिन क्या उसे निश्चयात्मक ज्ञान उठाती है? हैं? जब निश्चयात्मक ज्ञान नहीं उठाती है तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाती है। इसलिए जब निश्चयात्मक ज्ञान उठाएगी तब वो प्रत्यक्ष होगी और अपने धर्मखंड का उद्धार करेगी। गीता पूरी खंडित हुई इसका मतलब क्या है? गीता पूरी खंडित हुई मतलब क्या है? अरे गीता गीता कोई चैतन्य गीता की बात है या कोई जड़ गीता माता की बात है? हाँ तो कन्या माता खंडित कैसे होती है और अखंड कैसे मानी जाती है? अरे विदेशी माताएं खंडित होती हैं ज्यादा या भारत की माताएं खंडित होती हैं ज्यादा? विदेशी माता, क्योंकि वहां डाइवोर्स देने की प्रथा है तो जब दूसरी शादी करेंगे तो खंडित मिलेगी या अखंड पवित्रता मिलेगी? कुछ समझ में आया कि दाढ़ी मूंछ वाले बन के बैठ गए? गोदावरी का भारत है, गोदावरी का मतलब क्या है? जो गोद लेने वालों में श्रेष्ठ है। कौन है? जो भी हो बाबा बैठ के एक एक का पार्ट बता देंगे। इशारा तो देंगे। हाँ इशारा दिया नहीं। ऐसी नदी दक्षिण भारत की जो गोद ले ज्ञान की गोद लेने वालों में श्रेष्ठ है, वरीयता प्राप्त है। कृष्ण को गोद यशोदा ने भी लिया था ऐसे बोला है। एक बार पॉइंट काट दिया आगे उसके नहीं बोला क्या? कृष्ण को गोद तो यशोदा बेन ने भी लिया था। हाँ? उसके आगे तो किसी ने पॉइंट कट हो गए, पॉइंट कट हो गया वो सीढ़ी में तो उसको पूरा करो। क्या पूछोगे? पूरी बात पूछोगे तभी ना। गोदावरी का अर्थ बता रहे थे। गोदावरी का अर्थ है गोद में लेने वालों में जिसकी वरीयता है, श्रेष्ठ है। और कृष्ण को गोद तो यशोदा ने भी लिया था। हाँ? उसके आगे बोला। हाँ, तो यश देने वाली है। जिसने यश दिया, यश देने का काम प्रधान रूप से किया, गोद लेने का काम प्रधान रूप से नहीं किया। क्या किया? यश देने का काम प्रधान रूप से किया, वो यशोदा। शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर है। बाबा लक्ष्मी आया माना के पॉइंट है बोला है ना, शिव की गीता से 1 सेकंड में नरक से स्वर्ग बन जाता है, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। वो कौन सी अस्थि है जो 1 सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु बनाने के लिए निमित्त बनती है? विष्णु देवी। पवित्रता की पावर है ना, कोई पवित्रता की कोई देवी है ना, गॉडेस ऑफ प्योरिटी है ना। दुनिया के सारे काम कौन सी पावर से होते हैं? प्योरिटी की पावर से सारे काम होते हैं।
अभी तुम बताए कारण देह और सूक्ष्म देह दोनों देह मालूम हो गए, मगर शास्त्र में कारण देह और महाकारण देह ज्यादा जो बताया है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? सूक्ष्म देह और स्थूल देह दोनों का तुम अर्थ भी बता दिए, मगर शास्त्र में कारण देह और महाकारण देह बता दिया है उसका क्या स्पष्टीकरण है? तो बाद में बताएंगे, लेकिन ये बताओ भट्टी कब की है? भट्टी ने की ना, इसलिए आप इस सभा में अभी बैठना नहीं चाहिए, आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सारी पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी। यहाँ कौन लाया आपको? आपको यहाँ तक कौन लाया? नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, बताएं। हाँ, दिल से बात बताइए सर, आपको यहाँ तक कौन लाया? नहीं, कैसे कैसे होता है? कौन लाया यहाँ तक? आपकी युगल, आपकी माता दी? तो फिर यहाँ ये भी बात समझाई जाती है कि कोई बिना समझाए कोई भिखारी व्यक्ति को देवता बनाने के लिए यहाँ ले आए तो फिर पत्थर बुद्धि बन जाता है। आप अपनी युगल को पहले समझाओ कि यहाँ भी जाया जाता है जिस स्कूल में विद्यालय में वहां के पहले नियमों को मानना चाहिए। आपके सैकड़ों हजारों प्रश्न पैदा होंगे और हम समझाना भी चाहेंगे तो भी आप नहीं समझेंगे जब तक यहाँ का 7 दिन का कोर्स पूरा न कर ले। यहाँ का ये नियम है कि 7 दिन पहले कोर्स पूरा करिए, बात पूरी समझ में आ जाए तो फिर बाप का बच्चा बाप के घर में जाकर के बनना पड़ेगा। वो यात्रा होती है ना, शरीर छोड़ने से पहले नए बाप का बच्चा बन सकती है? नहीं, ये भी भगवान बाप की सृष्टि पर आता है तो बच्चों को अपना बच्चा बनाता है। तो जिस देश में अपना बच्चा बनाता है उस देश में वो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष भी होता होगा। दक्षिण भारत में भगवान गाया हुआ है या उत्तर भारत में गाया हुआ है? उत्तर भारत में भगवान की यादगार है, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, जो भी मनुष्य अवतार है वो उत्तर भारत में गाए हुए। तो भगवान जब प्रत्यक्ष होता है तो अपना घर गंगा के और यमुना के द्वाबा में, जिसे मगध देश कहा जाता है, वहां अपना घर बनाता है। प्रैक्टिकल में आता है और प्रैक्टिकल में घर भी बनाता है। वो तो राम मंदिर वाले ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहते हैं, हम राम का मंदिर बना देंगे। अरे राम में ताकत होगी तो अपना घर अपने आप बना लेगा कि उसका घर हम बना देंगे? तो भगवान खुद आता है, उसे खुदा कहा जाता है और सारा काम खुद करता है। तो जब अपना घर बनाता है तो उसमें ये बेहद के बच्चे पैदा होते हैं। जैसे 9 महीने पेट में बच्चा पैदा पलता है पैदा होने से पहले, ऐसे ही ये ज्ञान गर्भ में आत्मा 7 दिन पकना जरूरी है, 1 दिन आना और 1 दिन जाना, माना 9 दिन वो ज्ञान गर्भ में पकना जरूरी है। फिर निश्चय बुद्धि होकर के वो आत्मा बाप का बच्चा बन जाता। तो बच्चा बन के आए होते सभा में तो आपको सुख शांति का वर्षा भी मिले। फिर अभी क्या करेंगे? बच्चा बन के आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। और इब्राहिम की आत्मा इस्लाम धर्म के आधारभूत में प्रवेश करती है, उसको अपना घोड़ा बनाती है संगम युग में, तो इस बात की शूटिंग कैसी हो? इब्राहिम की आत्मा आधारभूत में प्रवेश करती है इस्लाम धर्म के और वो अपना घोड़ा बनाती है मुकर्रर, तो इस बात की शूटिंग संगम युग में कैसी हो? इस बात की शूटिंग ऐसे होगी कि जो इस्लाम धर्म की आधारभूत आत्मा है वो अपना शरीर छोड़ के, अपना शरीर छोड़ करके वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है।
उसकी जानकारी ज्यादा हो जाती है, बुद्धि की ज्यादा तीव्रता होती है और वो अपने में प्रवेश करने वाली उस आत्मा को इस सृष्टि पर जल्दी ढूंढ लेती। क्या वहां इब्राहिम ने उसमें प्रवेश किया था और यहाँ आधारभूत आत्मा उसमें प्रवेश कर दिया। उल्टा हो जाता है। और शाहजहां के टाइम में शिवाजी और महाराणा प्रताप का पार थे हैं? शाहजहां और महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज के टाइम में शाहजहां का पार्ट राम की आत्मा का नहीं है, सिद्ध नहीं होता। अभी तो कहीं कुछ बताया नहीं गया नहीं, शाहजहां कौन है और शिवाजी कौन है, महाराणा प्रताप कौन, कोई प्रूफ इकट्ठे करे और प्रूफ इकट्ठे करने के बाद साबित करे तो फिर वेरिफिकेशन दिया जा सकता है। अभी तो कोई वेरिफिकेशन आया नहीं। और दूसरी बात, जो हिस्ट्री लिखी हुई है वो हिस्ट्री लिखने वाले जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहास जानने वाले हैं, वो इतिहास विद आपस में ही एक दूसरे से टकराए रहे हैं या नहीं टकराए रहे हैं? मतभेद है। उनके पास असली डाटा नहीं है। इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि किसने कब जन्म लिया। वो भी मतभेद, वो मतभेद होने के कारण वो पक्का अभी क्लियर नहीं किया जा सकता। जब बड़े बड़े विद्वान आचार्य निकलेंगे, हिस्ट्री के आचार्य, ज्योग्राफी के आचार्य, पामिस्ट्री के आचार्य, बड़े बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो जब इस ज्ञान में निकलेंगे तो असली बात फिर क्लियर हो जाएगी। बाबा लास्ट प्रश्न है, संभाजी राजे जब जड़ हुआ था वो औरंगजेब के सामने खड़ा हुआ, जब औरंगजेब ने उसे पूछा तू मेरा धर्म स्वीकार कर, तो तब उसने कहा प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो यह कहाँ का यादगार है? यादगार संगयुग का। संगयुग में ऐसे ऐसे बच्चे हैं बाप के जान हथेली पर लेकर आए हुए हैं, वो माफीनामा लिखने वाले नहीं है। और बाबा गीता पाठशाला जो भगवान का मंदिर माना जाता है, क्या वो भी विनाश के समय खत्म होंगी? जब विनाश होगा लास्ट कोई नहीं रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा। क्या गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी? ये क्यों बोला है? कोई ऐसी मजबूरी आ जाएगी कि छोड़नी पड़ेगी? स्टूडेंट विनाश के समय आश्रय कहाँ लेंगे? विनाश के समय अविनाशी जगह पहुंच जाएंगे। उसी समय किसी का सूक्ष्म बन जाएगा, उसी समय किसी का विदेही स्थिति बन जाएगा, विदेही स्थिति सूक्ष्म स्थिति बनेगी। जो परम धाम वासी होंगे वो सारे विदेही होंगे या किसी के होंगे? जो परम धाम वासी बनेंगे, परम धाम को इस सृष्टि पर तुम बच्चे उतार लेंगे तो सारे ही बच्चे विदेही होंगे या एक विदेही होगा? सारे विदेही होंगे। अरे एक तो इमरजेंसी लाइट रखी होती ये भी ड्रामा में नूंद है, है? ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा चलो, और कोई प्रश्न हो तो बताओ। है हैं? विष्णु आने के बाद, लक्ष्मी आने के बाद आती है।
जो गंगा है वो ज्यादा ऊंची है या वैष्णवी शक्ति ज्यादा ऊंची है? पतित पावन गंगा भक्ति मार्ग में कही जाती है, ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में गंगा को ऊंचा मानते हैं या नारी से लक्ष्मी बनने वाले को ऊंचा मानते हैं? वो बाप का दिया हुआ लक्ष्य है क्या? तो जो बाप के दिए हुए लक्ष्य को प्राप्त करती है वो ऊंची, और जो बाप के दिए हुए लक्ष्य को धारण नहीं कर पाती वो पटरानी बन सकती है लेकिन महारानी नहीं बन सकती। इसलिए छुपा रुस्तम बाद में बोले, अरे हाँ जी अब टाइम भी हो गया है।
सतयुग के पहले जन्म में दासी बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, दासी बनेगी। लेकिन यहाँ संगम युग में बुद्धि से पहले सरेंडर होती है। पहले सरेंडर होने के बावजूद भी सतयुग में जाकर के क्या बनेगी? दास दासी बनेगी। तो सतयुग में होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो ये मतलब नहीं है कि 16108 त्रेता के अंत में जाकर के जन्म लेंगे। जन्म लेने से कनेक्शन नहीं है, पद पाने की बात। ब्रह्मा कुमारी में 9 लाख का लक्ष्य दिया है। ब्रह्मा कुमारी में 9 लाख का लक्ष्य दिया है, कितना स्टूडेंट लाने का बोल के माउंट आबू में 9 लाख स्टूडेंट ब्राह्मण बच्चे बनाने का एक लक्ष्य दिया है, वो किस लिए दिया है? भक्ति मार्ग में तो चाहे जो कुछ लक्ष्य ले ले, वो लक्ष्य पूरे तो होते नहीं है क्या? वो भक्ति मार्ग में जो भक्ति मार्ग के गुरु है वो जैसा डायरेक्शन देते हैं वैसा वैसा करते रहते हैं। यहाँ तो जो बाबा व्यक्तवाणी में बोलते हैं वो हम बच्चों के लिए बोलते हैं। वो कितने भी स्टूडेंट बना लेंगे, लेकिन उनके बने हुए स्टूडेंट जो है वो सतयुग के पहले जन्म में सब नहीं आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या? उनको पढ़ाने वाले उनके गुरु लोग आ जाएंगे क्या? वो भी नहीं आएंगे। अभी तो आज बोलते हैं, अभी तो बाप दादा बोलते थे ना कि महाराष्ट्र इतना लाएंगे, ऐसा लक्ष्य दिया है ना। बेहद की बात बोलते हैं। वो अव्यक्तवाणी का बेहद का अर्थ भी कौन समझते हैं? बेसिक वाले समझते हैं या एडवांस वाले बच्चे समझते हैं? एडवांस वाले बच्चों को समझ में आती है। विनाश के पीरियड में हम राजस्थान माउंट आबू में पहुँचेंगे, आप अपने घर में, तो वहाँ तपस्या में जब बैठेंगे तो हमारा पूरा शरीर बर्फ से ढकेगा, तो वो बर्फ कौन सा? जो तपस्या में बैठेंगे बैठते ही उनका शरीर ढक जाएगा? ऐसा बोला है कि तपस्या में बैठेंगे तब आप शरीर सबके शरीर बर्फ से आवरण होगा, ऊपर सुरक्षित। तो अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा को शीतल नहीं बना पाएंगे, जाम नहीं कर सकेंगे। मन चंचल है ना, उसकी चंचलता को जाम नहीं कर सकेंगे, उनको बर्फ में दबना पड़ेगा। और जो अपने पुरुषार्थ से ही अपने मन को जाम कर लेंगे उनको नहीं दबना पड़ेगा। स्थूल बर्फ में भी दबना पड़ेगा अगर जाम नहीं कर सकेंगे। कुछ कान में आवाज नहीं आ रही है। पूरा ड्रामा में जो धर्म पिता है आगे जाओ ना, धर्म की स्थापना करने के लिए आधार में प्रवेश करते हैं, तो वो पूरे समय तक जब लड़ाई लड़ते हैं तो बड़ी जोर की आवाज निकलती है। वो बोल रहे स्कूल ड्रामा में देखो ये निकली आवाज तो कहेंगे टीचर। जो आधार मूलक आत्माएं प्रवेश करती है अपना धर्म स्थापन करने के लिए, सूक्ष्म आत्माएं धर्म पिताओं की प्रवेश करती है आधार मूर्तों में, तो कितने समय के लिए प्रवेश करती है ऐसा प्रश्न है उनका। तो बता दिया जो भी धर्म पिताएं हैं ज्यादा से ज्यादा 100 साल के अंदर आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, इससे ज्यादा टाइम तो कोई लेते नहीं है। तो उनका भी अपना टाइम है, वो शरीर का आयु गिनी जाती है जिस शरीर में उनको प्रवेश होना है। जैसे जीसस था तो जीसस से शरीर की आयु, फिर उसमें प्रवेश होने वाली आत्मा की आयु पता तो लगता नहीं है, कब वो आत्मा अपना काम करके वापस चली गई, दूसरा जन्म ले लिया। लेकिन जीसस तो मरा, मरते समय जीसस को कष्ट हुआ, वो
उस आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, वो कब निकल गई पता ही नहीं चला। एक ही आना जाना कर रहा है कि और ही जाना है? करते हो ये बहुवचन है या एक वचन है? बहुवचन है। वे कैसे जान लिया? नई दुनिया बनेगी तो उस नई दुनिया का संगठन बनाने वालों में आठों देवताएं होंगे या कोई एक दो निमित्त बनेगा? आठ होंगे। एक माने निवृत्ति मार्ग का होगा फाउंडेशन जो पढ़ रहा है नई दुनिया का, वो निवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पढ़ रहा है, निवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पढ़ रहा है। तो दो होने चाहिए या एक होना चाहिए? दो होने चाहिए। बाकी सब आने जाने वाले होने चाहिए या निमित्त होना चाहिए? बाकी सब आने जाने वाले। हर धर्म के नहीं, पक्के सूर्यवंशी है, सूर्य को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन आखिरी जन्म में आकर के कोई ना कोई दूसरे से प्रभावित तो हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जब तक नीचे न गिरे तब तक ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। आखिरी जन्म में सबको नीचे गिरना है। माया रावण का सबके ऊपर राज्य हो जाता है। टाइम हो गया 3 बजे से 7 बजे तक है। 4 घंटे